अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर फनसुबेरा ब्लॉग्स। तो आप सभी को जुम्मा मुबारक। और आज लेट हो गई थी एकदम उठने के लिए, स्कूल के लिए तो 15 मिनट ही था। जल्दी जल्दी उठ के टिफिन बना लिया मैंने, तो अभी आया हूँ, वेट कर रहा है, टाइम नहीं हुआ है, 5 मिनट्स है जाने के लिए। तो आयान यहाँ आओ, सभी को जुम्मा मुबारक बोलो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जुम्मा मुबारक सबको। तो आयान रेडी हो चुका है। तो ये तो रेगुलर यूनिफॉर्म है, कल जो देखा वो स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म था। और तो कल से छुट्टी है दिवाली की, है ना। इनाया का तो मैसेज आ चुका है, वेडनेसडे तो बंद है, थर्सडे से खुलेगा। आयान का भी यही बोल रहा था आके कल स्कूल से, पर अभी तक मैसेज नहीं आया है, शायद आज स्कूल से आने के बाद मैसेज आएगा। 3 दिन छुट्टी है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, और साथ में सैटरडे संडे भी मिल गया, तो 5 डेज छुट्टी हो गया। तो खुश हो? और मैं यहाँ पे पी रही हूँ अपनी सुबह गर्म पानी। नया नहीं उठी है, अभी उठाऊँगी उसको, उसका थोड़ा सा टाइम है। 9:50 को हम लोग घर से जाते हैं, 9 o'clock स्कूल है इसका, मतलब 9 o'clock गेट बंद कर देते हैं और 10 मिनट का रास्ता है, हम लोग पहुँच जाते हैं। तो इसको उठाने के बाद हाँ ये उठ गई, दिखा देती हूँ। अस्सलामुअलैकुम बोलो सबको, यहाँ देखो मुझे बोलो, बोलो जो हर रोज बोलती हो ना, बोलो। यहाँ पे आ गई, फिर से सोएगी 10-15 मिनट के लिए। तो मेल टू मैं आपसे थोड़ी देर बाद, देखिए यहाँ पे फिर से आके छो सकी। तो उठाऊंगी इसको और 10-15 मिनट सोने देती हूँ, बोलने से उठ जाएगी, है नहीं ना। हाँ चलो 10 मिनट चलो, फिर उठ जाना, ठीक है। हमारे स्टाइल में बहुत दिन नहीं बनाया ना, ये दिखा दो। और इनाया ने आज स्कूल में बनाया था दिया, पिक नीचे रख के दिखाती हूँ। हेलो क्या कर रहे हो इनाया, चम्मच पे नहीं आता है क्योंकि आज वाईफाई नहीं है, पता नहीं तब से वाईफाई नहीं है, तो आने के बाद कॉल करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा क्यों नहीं है। बारिश भी नहीं है, मौसम भी ठीक है, पता नहीं किस वजह से। और हमने पैसा भी पे करके रखा है, फिर भी वाईफाई नहीं है। जियो है, पर जियो तो जियो ही है, जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो ये फोटोज देख रही है ना, क्या देख रही हो? स्लाइम बना रही हूँ क्या? अच्छा, जो यूट्यूब पर सेव करके रखते हैं ना वीडियो, वही देख रही है शायद, स्लाइम का वीडियो, स्लाइम से कुछ बनाते हैं ना बच्चे लोग। ये गए हैं जुम्मा, तो आएंगे आयान स्कूल से आने के लिए 4 बजेंगे, और 4 बजे आएगा वो। कभी कभार लेट भी हो जाता है, ट्रैफिक ज़्यादा रहता है, तो परसों तो 4:30 आया था, उनका टाइम हुआ है आने के लिए। खाना नहीं खाया अभी तक, बिरयानी दम में है और 15 मिनट है, उसके बाद इनाय को खिलाऊंगे, फिर हम खाएंगे। आयन स्कूल से आने के बाद पता नहीं उसको भूख है तो ही खाता है, नहीं तो नहीं खाता। नेट नहीं है तो मतलब इतना बोर लगता है ना कि
क्योंकि टीवी भी नहीं देख पा रहे क्योंकि हम लोग तो टीवी वाईफाई से ही देखते हैं, वाईफाई कनेक्ट करके। और टाटा स्काई हमने लॉकडाउन में ही शायद से निकाल लिया था, बीच में एक बार लगाया था, मतलब एक दो दिन के लिए रिचार्ज कर सकते हैं ना जैसे टाटा स्काई में, तो वो भी कॉस्टली हो गया है और सब चैनल नहीं आता है जो हम लोग लेते थे। तो उससे अच्छा है मतलब वाईफाई में, मतलब इनका ऑफिस का काम भी चल जाता है, फिर वाईफाई तो वैसे भी फ्री है, मतलब ऑफिस से ही देते हैं, मतलब घर से मतलब लेना पड़ता है, वो पे कर देते हैं लॉकडाउन जब से हुआ है, नहीं तो हम लोग तो खुद से ही लगाते थे पहले। और ये पता नहीं वैसे नहीं ये भी आए हैं और इसके वजह से मतलब बहुत बोर लग रहा है आज, मैं भी बोर हो रही है, सिर्फ फ़ोटोज़ ही देख रही, पता नहीं क्या लिख रही है, मतलब मोबाइल में कुछ टाइप कर रही है, मेरा पुराना वाला फ़ोन है ना, उसमें बहुत बोर लगता है। पहले अच्छा था जब मोबाइल नहीं था, तो मोबाइल सब आने के बाद मतलब अच्छा। ये आए हैं, मैं इनसे मिलवाती हूँ आपको। बाइक अंदर डालने के लिए गया है, कभी भी बिन बार बरसात शुरू हो जाती है ना, इसलिए अभी तो धूप है पर कभी भी बारिश हो सकती है, इसलिए तो ये आ गया है, मैं दिखा देती हूँ। नेट नहीं है, वाईफाई लिया है ब्रेक 15 मिनट का, और किसके लिए ब्रेक लिया है, गेम खेलने के लिए, हमारे साथ टाइम बिताने के लिए नहीं, गेम में सबसे आगे है बाकी सब लोग पीछे। और कल हम नहीं जा रहे हैं गोवा। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। कोई और जा रहे हैं? दूर है, इसलिए नहीं जा रहे हैं। तो कल हम कहाँ जा रहे हैं बोल दीजिए जल्दी। तो, नहीं तो हम लोग जा रहे हैं दिवाली हॉलीडे में मुनार, नहीं जा रहे हैं। तो हम लोग कहीं नहीं जा रहे। हाँ वायनाड है और क्या है, एलएपी है, कश्मीर है, कश्मीर तो नहीं जा सकते जो पास में है, ऊटी है, मैसूर है, सब कुछ हम लोग नहीं जा रहे हैं। तो आप तो हम लोग जाएंगे हमारे फेवरेट जगह जहाँ हम जा चुके हैं कई बार, मैसूर। मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो। ये भी झूठी बोल रहे हो, जाएंगे कहीं ना, अरे मैसूर जाएंगे, पास में है ना, मैसूर जाने से अच्छा हम लोग कुर्ग जाके आएंगे ना, मैसूर इतना बढ़ गए हैं मतलब याद हो गया, हाँ 7-8 बढ़ गए हैं ना हम लोग, तो अभी मन नहीं है जाने के लिए मैसूर, तो उससे अच्छा और मैसूर से और एक डेढ़ घंटे का रास्ता होगा कुर्ग, तो कुर्ग ही चले जाएंगे, पर हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, घर में ही रहेंगे। सैटरडे संडे इनका बंद है, बच्चों का बंद है, दिवाली हॉलीडे है मंडे से वेडनेसडे तक, पर इनका नहीं है। और सैटरडे संडे हम लोग जाएंगे हमारा ससुराल जो कि है एलिमेंट्स मॉल। इनाय को कहाँ जाना है बोलो? मुझको एलिमेंट्स मॉल और दूसरा रास्ता है ऊपर में, वो जाना है। हाँ ओरियन मॉल। हाँ तो हम लोग हर रोज रात को और इनाय स्कूल जाने से पहले हम लोग 10 मिनट या 15 मिनट के लिए टीवी देखते हैं, जो कि रहता है बेंगलोर से, मतलब बेंगलोर से कहीं भी रोड ट्रिप देखते हैं, जो कि कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं गोवा, लास्ट वीक हमने देखा मुन्नार, तो मतलब देख रहे हैं देख रहे हैं जाएंगे नहीं। हाँ नहीं वो बस प्लान कर रहे हैं, अब प्लान करके जाने का मजा नहीं है, मजा है बिना प्लान के एकदम अचानक से जाना, सरप्राइज सरप्राइज, तो ये सरप्राइज कब आएगा पता नहीं। ये है सबसे गंदी लड़की, बहुत शैतानी करती है,
आयान पढ़ रहा है और मैंने जो बदमाश है लड़का वो बना रहा है ड्राइंग, उसने ऐसे ड्राइंग बनाई है काओ की जिसमें काओ की सिर्फ दो टांगे हैं दो नहीं है और लड़की हंस रही थी क्या है उसमें सिर्फ दांत है जिसका उसकी सिर्फ जीभ निकल रही थी टांग उसके दांत भी नहीं थे। हाँ तो मैं दिखा दूंगी आपको अभी और मैंने अपने फेस पे लगाया है थोड़ा सा क्लींजिंग के लिए नींबू 1 teaspoon और साथ में 1 teaspoon रॉ मिल्क यानी कि कच्चा दूध दोनों को मिक्स करके मैंने कॉटन से अप्लाई कर लिया है। अभी फेस पे 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ रही हूँ फिर वॉश करूँगी फिर उसके बाद एक पैक लगाऊंगी जो कि होगा होममेड पैक जो कि मैं हर रोज़ अप्लाई करती हूँ पर आज कुछ और अप्लाई करूँगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी वो भी। तो ये आयान को दिखा देती हूँ कि इसने क्या ड्राइंग बनाया है। तो इसने छुपा दिया है देखिए गौर से देखिए इसके ड्राइंग को हटाओ हाथ हटाओ एक मिनट इसका हैंडराइटिंग देखिए और ये रहा ड्राइंग ये है अम्मी ये है गाय तो ये एक ड्राइंग बनाया इना है ये इना है आयान और इना है। आयान कहाँ गया यहाँ पे यहाँ पे तो लड़का भी है ना लड़का बनाऊंगा कहाँ बनाओगे यहाँ पर। तो ये वाला ड्राइंग आयान ने बनाया है यहाँ पे देखिए गौर से देखिए गाय अच्छा है लड़की अच्छा नहीं है। गाय को तो इन लोगों ने बांध के रखा है ना तुमने तो बांध के नहीं रखा है और दो ही टांग है उसको छोड़ दो मैंने दो टांग है फिर घर पीछे का घर कहाँ गए ये वाला घर तो नहीं है ये लड़का इस तरफ होना था पर कोई बात नहीं यहाँ पे डाल दो चलेगा। और जो और एक ड्राइंग बनाया था ना वो बताओ तुमने यहाँ पे लिखा कहाँ पे ये वाला एक ही साथ लिखना है ना आयान एक ही साथ नहीं लिखना है क्यों नहीं लिखना है ये देखो देखिए कितना खराब ड्राइंग किया है आयान ने ये अच्छा ड्राइंग है सबसे ये ही अच्छा है जिसका एक हाथ उंगली वो सब है ही नहीं इसका एक साइड का बॉडी है ही नहीं कहाँ गया उसको ही पता है। यहाँ पे मैंने खा लिया ये वाला ड्राइंग बना है ना हाँ देखिए गौर से देखिए ऐसे बना दोनों का हाथ देखिए पोलियो नहीं पिया है दोनों ने और इसमें ये स्कूल है नहीं हमारा घर है ये आयान है ये इनाया है आयान और इनाया के हाथ को क्या हो गया है इंजेक्शन लगा दिया जल्दी ख़त्म करो। तो ये लिया है मैंने बेसन 1 tablespoon कस्तूरी हल्दी मैंने ये वाला यूज़ किया है करीब 1/2 teaspoon नींबू जूस थोड़ा सा मैं 1/2 teaspoon करीब डालना है नींबू आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आपके फेस में बहुत ज़्यादा पिंपल्स है तो ही आप ऐड करें और आप अगर आपका स्किन सेंसिटिव है तो बिल्कुल ही मत ऐड कीजिए नींबू जूस। हनी 1/2 teaspoon जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हनी हमारे स्किन को टाइटनिंग करेंगे इसके लिए मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 teaspoon संदन पाउडर थोड़ा सा रोज़ वाटर इतना ही डालूंगी जिससे कि ये एक स्मूथ सा पेस्ट बन सके। हमें इतना ही ठीक चाहिए बहुत ज़्यादा ठीक या फिर बहुत पतला नहीं चाहिए। तो इसको अपने फेस पे अप्लाई करूँगी तो मैंने आपको पहले बता ही दिया था कि दूध और नींबू के रस से मैंने अपना फेस क्लीन कर लिया था। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो ये ध्यान में रखिए कि आपके फेस में कोई भी मेकअप ना हो अगर मेकअप है तो अच्छे से वॉश कर लीजिए मेकअप को फिर उसके बाद ही अपने फेस पर अप्लाई करें और 20 मिनट के लिए ही अप्लाई करें। मैंने अच्छे से अपने फेस पे लगा लिया है 20 मिनट के बाद
नॉर्मल पानी से वॉश कर लूंगी। ये है इनाया का फ्रेंड दीदू, और दोनों खेल रहे हैं फुटबॉल। को मैंने यहाँ पे मेहंदी लगा दिया है, देख सकते हैं। हाथ उल्टा करो, इन्हें उस तरफ घुमाओ, उल्टा ऐसे करो, हाँ उस तरफ, हाँ तो ये देखिए। और बूमरैंग भी बनाया है मैंने, इंस्टा पे डाला है, अपलोड किया है, आप लोग चेक कर सकते हैं जाके। मैं भी शायद से रात को लगा लूँगी अगर टाइम होगा तो। इन दोनों का टाइम हो गया सोने का, तो अभी हम लोगों ने डिनर नहीं किया है, रात के बज रहे 10:30, तो ये नमाज़ पढ़ेंगे अभी। नमाज़ पढ़ने के बाद खाना करके फिर सो जाएंगे, मतलब ये दोनों सो जाएंगे, हमारा तो 2 बजे तक इनका काम है। सबको अल्लाह हाफिज़ बोल दो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, बाय बाय। तो मैंने भी अपने हाथों में मेहंदी लगा ली है, और कमेंट में ज़रूर बताएं तो कैसा लगा है मेरा मेहंदी। बस एक ही हाथ में लगाया है, और इसी में से मेहंदी के साथ आज का व्लॉग ख़त्म करेंगे। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।